हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे बहुत मज़े में होंगे। और आज दिन है फ्राइडे और जस्ट अभी थोड़ा सा दाल मोठ जो नहीं होता है वो खा रही हूँ, चने का जो दाल मोठ होता है वो खा रही हूँ। ये लेके आए थे थोड़ा सा, ये देखो ये खा रहे थे बट चले गए हैं, बड़ी मम्मी बुलाई कोई काम से तो चले गए हैं। और मैक्स देखो कैसे बैठ, कैसे इसका बैठने का लहजा देखो, एकदम ना इंसान की तरह बैठता है, ऐसे पीछे अपना पैर वैर फैला के एकदम जैसे इंसान बैठता है ना वैसे ही बैठता है। अब इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग ना बाहर बांधने लगे हैं, क्योंकि अगर घर में रहेगा ना तो इसको घर की आदत पड़ जाएगी, तो अब इसे बाहर भी बांधने लगे हैं। तो बाहर बंधा था ना तो एक दो बार इसने भौंका है, बाहर ही कोई आता है तो एक दो बार भौंका है, तो बाहर रहेगा तभी इसकी आदत पड़ जाएगी। और जस्ट ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर दी है मैंने, और देखते हैं क्या क्या होता है। आज मैंने हेयर वॉश किया हुआ, आपको दिख रहा होगा, और सर का दर्द पता नहीं क्यों मेरा जा ही नहीं रहा है, सर बहुत दर्द कर रहा है। आज मैंने खाली ये येलो वाली चूड़ी पहनी है, क्योंकि येलो सूट था तो येलो चूड़ी पहनी है। और कुछ एक दो बातें भी आपसे करनी है, बट अभी नहीं करूँगी, लास्ट में करूँगी, वीडियो के एंड में करूँगी आपसे कुछ बातें। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है फ्रेंड्स। चलो इसको थोड़ा बहुत खा लूँ, नाश्ता आज यही नमकीन और चाय रहेगा बस, और कुछ भी ज़्यादा नहीं रहेगा। और चलो मिलते थोड़ी देर, वो उनकी ग्लास रखी है चाय की, मेरी ग्लास रखी है चाय की, अभी आएंगे तो पियेंगे, हम तो जा रहे हैं पीने। हाँ तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ आज बनाने मिक्स सब्ज़ी। तो ये ना बैंगन, शिमला मिर्च, मटर, आलू और क्या है, हाँ बस इतनी सब्ज़ियाँ जो मेरे पास अवेलेबल थी, इनको मैंने काट के अच्छे से वॉश कर लिया है। और भी सब्ज़ियाँ आप डाल सकते हो, जैसे कि गाजर, पत्ता गोभी, तो मेरे पास जो अवेलेबल था उतना ही मैंने काट लिया है। और ये सिंपल सी सब्ज़ी मैं बनाती हूँ, मैं किस तरीके से अपने तरीका आपको खाली बता रही हूँ किस तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन मैंने काट लिया, मिर्च नहीं लिया क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था। एक टमाटर ली हुई हूँ, तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, तेल वैसे गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम अपना ज़ीरा जो है वो ऐड कर देंगे। और कभी कभी सिंपल सब्ज़ियाँ भी खानी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी भी अच्छा नहीं रहता है। और ये मिक्स सब्ज़ी जो होती है ना टेस्टी होती है। इसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज और लहसुन वगैरह सब डाल दिया है। मिक्स सब्ज़ियाँ ना टेस्टी होती है, साथ में हेल्दी भी होती है, क्योंकि कई सारी सब्ज़ियों का न्यूट्रिशन जो है हम लोग को मिल जाता है साथ में। तो मिक्स सब्ज़ी तो हफ्ते में एक बार तो बनानी ही चाहिए। तो इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, प्याज लहसुन अदरक को, आप थोड़ा मिर्च भी डाल सकते हो। और अगर आपके पास वो हरी वाली प्याज जो नहीं आती है वो होना तो वो डाल दो, उससे भी सब्ज़ी का टेस्ट भी बढ़ेगा साथ में हेल्दी भी रहेगा। तो इसे भूनने देते हैं। तो ये भून चुका है फ्रेंड्स, इसके बाद इसमें मसाले कुछ अभी डाल देते हैं, कुछ बाद में डालूँगी। तो पहले तो हल्दी डाल देते हैं, और इसके बाद थोड़ा सा डाल दूँगी मैं धनिया का पाउडर, और इसको ना भून लूँगी थोड़ी देर इसी तेल में, धीमी आँच पे, तेज आँच पे नहीं वरना जल जाएगा। तो ये जो है फ्रेंड्स अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें मैं अपनी सारी सब्जियों को ऐड कर देती हूँ। और फ्रेंड्स कोई भी सब्ज़ी या कुछ भी बनाने का ना सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही आप बनाते हो, आपका तरीका कुछ अलग डिफरेंट होगा। तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मैसेज करके। फ्रेंड्स यहाँ पे सारी सब्जियों को मैं डाल लेती हूँ, और क्योंकि मैं वॉइस ओवर इसलिए देने लगी हूँ ना फ्रेंड्स, क्योंकि टीवी चल गई थी, मतलब टीवी ये चला दिए थे और एक जगह गाना भी बज रहा था, तो इसीलिए। सारी सब्जियों को डालने के बाद इसमें आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दीजिए, जितना भी नमक आप खाते हो, और फिर इसको अच्छे से वेल मिक्स कर दीजिए। देखिए मैंने मिक्स कर दिया, और इसे ढक के बस हम पका लेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं सब्ज़ी हमारी पकी है कि नहीं, तो देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है ना फ्रेंड्स। सब्ज़ी हमारी जो है ऑलमोस्ट पक चुकी है फ्रेंड्स, बस ज़रा सा रह गया है मतलब पकना, वरना ऑलमोस्ट पकी चुकी है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी ना, मैंने टमाटर लिया था, एक बड़ा टमाटर मैंने लिया था, उसको ऐसा छोटा छोटा काट लिया है, और इसको ऐड कर दूँगी। और साथ में ना इसी के थोड़ा सा गर्म मसाला लास्ट में ऐड करूँगी, और सब्जियों से ना ये टमाटर को मैं ढक दूँगी। हमारी मम्मी ना ऐसे ही बचपन से हम लोग देखते आए टमाटर गलाती इतनी बीच में डाल के, आप लोग कैसे करते हो बताना। तो इसको ढक देंगे तो टमाटर जो है ना पक जाएगा, और गैस का फ्लेम एकदम स्लो है। तो ये देखिए मुझे 5 मिनट हो गए इसे ढके हुए, अब देखते हैं हमारा टमाटर अच्छे से गल गया होगा। तो देखिए टमाटर एकदम अच्छे से गल चुका है, अब इसे कलछू की मदद से ये हल्का सा प्रेस करेंगे और ये अच्छे से
पिघल मतलब पुदील जाएगा, क्या बोलते हैं, मतलब मैश हो जाएगा अच्छे से सब्जियों के साथ। तो इसको अच्छे से वेल मिक्स कर लेंगे और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना सब्ज़ी फ्रेंड्स। इसे आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, दाल चावल के साथ भी इसे आप खा सकते हो, बहुत ही यम्मी लगेगा। और इसके बाद लास्ट में इसमें हम अपना धनिया का पत्ता डाल देंगे, थोड़ा सा गार्निशिंग भी हो जाएगी और थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है धनिया का पत्ता डाल दो तो। तो बस सब्ज़ी रेडी है, तो चलो रोटी सेक लेते हैं फिर खाना सर्विंग में निकालते हैं। तो फ्रेंड्स खाना निकल चुका है, आप लोग भी आ जाइए डिनर पर। फ्रेंड्स खाना होना तो बन चुका है, खाना होना बनने के बाद जो सबसे बड़ा काम होता है वो होता है बर्तन धोने का। तो मैंने चूड़ियाँ जो है अपनी निकाल दी है क्योंकि बर्तन धोने के टाइम चूड़ियाँ ख़राब हो सकती थी, वो मेरी डेली यूज़ की चूड़ी नहीं थी फ्रेंड्स, वो मेरी जो चूड़ियाँ मैं इधर भी पहन रही हूँ ना वो सारी जो है वो वाली हैं बाहर आने जाने वाली, तो इसलिए मैंने निकाल दी है और बहुत ज़्यादा खनन खनन बोलती है। तो बर्तन धो लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। और ज़्यादा बर्तन मेरा वैसे भी नहीं निकलता है क्योंकि मैं ना लगे हाथ बर्तन भी एक साइड धोती रहती हूँ, जितना निकलता रहता है सब धो धो के रखती रहती हूँ, तो इसीलिए ज़्यादा बर्तन नहीं निकलता है मेरा। तो चलो फटाफट बर्तन धो के फिर इसके बाद आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पे मैं ना एक अगरबत्ती जलाती हूँ, वो अगरबत्ती जो मच्छर वाली नहीं आती है वो जलाते हैं, तो उससे जो है मच्छर बहुत भाग जाते हैं सारे। तो मच्छर थोड़े बहुत लगते हैं, उतने ज़्यादा तो नहीं लगते हैं, लेकिन मैक्स को दिक्कत ना हो ना तो इसीलिए हम थोड़ा मच्छर जला देते हैं। तो ये एक अगरबत्ती मैं कमरे में जला दूँगी और यहाँ पर मैं खा रही हूँ थोड़ा सा लॉलीपॉप, ये लेके आए थे तो वही मैं खा रही हूँ। और इसके बाद जो है ये दूध मैं रख देती हूँ, दूध तो मैं गर्म कर देती हूँ 6 ही बजे, लेकिन ये जब तक ठंडा नहीं होता ना तब तक फ्रिज में नहीं डालती हूँ, तो ये ठंडा होने के बाद इसको मैं रख देती हूँ और डेली का डेली मेरा दूध गर्म करने का बंधा रहता है शाम को, वरना फट भी सकता है। तो फ्रेंड्स सारे काम मेरे निपट चुके हैं रात के और मैंने मॉर्निंग में ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। और बहुत ज़्यादा तेल मेरे सर में इस समय लगा हुआ है, मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल लगाया है, आपको दिख रहा होगा आई थिंक, क्योंकि सर दर्द हो रहा था तो बहुत ज़्यादा ठोक ठोक के ना यहाँ पे एकदम तेल लगाया, तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है यहाँ ठोक के लगा। और सरसों का तेल मैंने लगाया हुआ है, सरसों का तेल ना सर दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, वही लगाया है। और चेहरा भी उतरा उतरा लग रहा होगा, जैसे अभी एक वीडियो डाल के अपलोड किया था तो उसमें कुछ अपनी थोड़ी बहुत दिल की बात जो थी वो कर दी थी मैंने, और बस दिल की बात रहती है तो कर देती हूँ। और अब मिलूँगी मैं आपसे मॉर्निंग में, अभी तो इस ब्लॉग को आज का तो यहीं ख़त्म होता है, मॉर्निंग में मिलेंगे, देखते हैं मॉर्निंग में क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स चलो गुड नाइट। हेलो गाइस, मैं थोड़ी सी छोटी सी आपसे बात करने आई हूँ क्योंकि मेरे सामने कुछ वीडियोस ऐसे आ गए थे ना कि जिसके बारे में मुझे लग रहा था कि बोलना चाहिए। मैं जो हूँ इस टाइप के वीडियो ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, लेकिन जब कुछ ऐसा हो जाता है ना तो बोलने का ना एकदम सा लगता है कि नहीं बोलना ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं जिनके बारे में बोलने वाली हूँ उनका नाम बता देती हूँ। मैं बोलने वाली हूँ निधि की दुनिया, जिनका कि चैनल है, और कल्याणी ब्लॉग करके जिनका कि चैनल है, जो अभी अभी यूट्यूब पे आई हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को उनके चैनल या उनके वीडियोस रिकमेंडेड में दिखाई दे रहे हों। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर दिल से आप लोग ने कभी किसी की हेल्प करने का सोचा है ना, तो इनके चैनल को जाइए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार हेल्प की। इनको सब्सक्राइब करिए, इनकी हेल्प करिए। और अब बात कर लेते हैं निधि की दुनिया और कल्याणी ब्लॉग जी जो हैं, इन दोनों ने ही हाल ही में अपने हस्बैंड को खो दिया है, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। और उनकी शादी को बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ था फ्रेंड्स, निधि की दुनिया को
ढाई साल हुआ था और कल्याणी जी को 2 साल हुए थे शादी को और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो फ्रेंड्स, मैं बात जिस चीज़ के लिए करना चाहती हूँ, तो हमारी एक यूट्यूबर हैं जो कि पहले ब्लॉग्स बनाती थी, अब जो है वो सारे यूट्यूबर्स में से बुराइयाँ ढूंढती हैं, तो उनके बारे में से मैं ये बात कहने वाली हूँ। उनका नाम दिव्या आंटी है, आप लोग समझ लेना मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। दिव्या आंटी हैं वो, और वो जो है ना, मतलब कि इतना हद तक गिर गई हैं मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना ज़्यादा वो लेडी गिर गई है कि चलो ठीक है, तुम बड़े यूट्यूबर्स में से बुराई निकाल रही हो, गंदगी निकाल रही हो, बता रही हो, तुम्हें उन हर चीज़ बुरी लग रही है, चलो ठीक है, लेकिन तुम किसी की फीलिंग का, किसी ने अपना हस्बैंड खो दिया है, तुम उसका मजाक बना रही हो, तुम कह रही हो कि अगर वो इन्होंने यहाँ तक ये कहा है कि तुमको अगर पैसा ही कमाना है तो तुम कहीं जा, अपनी परेशानी, अपना दुखड़ा रो के कहीं जाके कहीं और जॉब कर लो। लेकिन मैडम वो ये नहीं समझती हैं कि भाई ये दुनिया जो है ना, जब मैं इतनी शादीशुदा हो कि मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट है लाइफ, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, एक एक कदम जो है परिवार के हिसाब से फूक फूक के मुझे रखना पड़ता है, तो उनके तो हस्बैंड नहीं है, वो बेचारी किस तरह से सारा फैसला ले सकेंगी। उनको इस चीज़ की प्रॉब्लम है, वो कहती हैं कि अभी अभी तुमने अपना हस्बैंड खोया है, अभी अभी तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ है, तुम इतना जल्दी निकल के अपने दुख से बाहर आ गई हो और YouTube ज्वाइन करके यहाँ डिप्रेशन फैला रही हो, अपना जो है लोगों को जो है अपना दुखड़ा सुना के उनको जो है और दुखी कर रही हो, डिप्रेस कर रही हो लोगों को, फलाना ढिकाना। और यहाँ तक कि उन्होंने प्रियादीप जी को भी नहीं छोड़ा, प्रियादीप ने इन लोगों की हेल्प की, निधि की दुनिया और कल्याणी जी की हेल्प की थी, एक वीडियो बनाया था उनके लिए पूरा सेपरेट, आप लोगों ने हो सकता है देखा होगा, तो उनको भी नहीं छोड़ा कि तुम जो है अपने फ़ायदे के लिए वीडियो बना रही हो, लाना डिकाना गेम खेल गई, पता नहीं क्या क्या कॉमेंट्री पे उन्होंने अपने डाला हुआ है। तो मैं उनसे एक चीज़ ये पूछना चाहती हूँ कि आपको किस चीज़ का घमंड है यार, किस चीज़ का घमंड है, क्या आप यहाँ पे हर किसी के ब्लॉग में, हर किसी के वीडियो में सिर्फ बुराई निकालने आती हो? चलो ठीक है, बुराई निकाल रही हो तो निकाल रही हो यार, लेकिन उनके ब्लॉग में भी तुमने बुराई निकाल ली, उनके दुख में से तुमने बुराई निकाल ली। अरे यार, तुम ठीक है बुराई निकालो, तुम वीडियो बनाओ, तुम व्यूज़ के लिए अपने जो है गिर जाओ, हद से नीचे तक गिर जाओ यार, ठीक है, लेकिन इतना गिर गई तुम, इतना ज़्यादा गिर गई तुम कि किसी के इतने बड़े दुख का तुमने मजाक बना दिया। ऊपर से उन्होंने एक और बात बोली थी जो मैंने वीडियो में देखी थी, उन्होंने बोला था ये कि क्या उनके परिवार का दुख बड़ा नहीं है जिन्होंने अपना बेटा खोया है, जो तुम इतना जो है अपना रो रो के अपना दुखड़ा सुना रही हो, तुमको बहुत बड़ा दुख हो गया ऐसा वैसा ये वो बोल रही थी। तो मैडम, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, माना कि परिवार का दुख बड़ा होता है बेटा खोया है, लेकिन जिस औरत ने अपना पति खोया है ना, उसका दुख सबसे बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि वो एक घर से पराए होकर दूसरे घर जब आती है तो वो अपने पति के सहारे ही आती है, और सोचो जब उसके पति जो है नहीं रहेगा तो वो तो उस घर से भी बेघर हो गई ना, तो कहाँ गया उसका घर, कौन सा रहा उसका घर ना, वो उस घर से भी पराई हो गई है। अब जिससे शादी करके वो आई अपने पति के सहारे, वो नहीं रहा तो अब तो उस घर से भी वो पराई हो गई, तो बेचारी का घर कहाँ रहा? तुम कैसे इतना गिर सकती हो यार, कैसे इतना भूल सकती हो, मेरी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। आप लोग जाके देखना उसकी वीडियो को, उसने कितने गंदे गंदे शब्द बोले। तुम एक औरत हो के, एक वाइफ हो के ऐसी बात बोल सकती हो यार? उन दोनों लेडीज़ों ने सिर्फ यूट्यूब पे आके अपनी कहानी बताई थी, अपनी बात बोली थी कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई हैं, ये नहीं कि व्यूज़। एक बात और उन्होंने ये बोली कि इतने सारे यूट्यूबर्स ने उनके ऊपर वीडियो बनाई है, निधि जी और कल्याणी जी के ऊपर, तो उन्होंने व्यूज़ के लिए वीडियोज़ बनाई हैं। तो आपका तो ये बोलना सरासर गलत है, व्यूज़ के लिए किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई है, ठीक है, क्योंकि उनका दुख इतना बड़ा है और वो अपने दुख से निकल कर कुछ करने आई हैं लाइफ में, एक अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहती हैं और एक अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, तो इसलिए यूट्यूबर्स ने उनकी हेल्प की है। आपने कहा कि फाइनेंशियली हेल्प कर दो, चलो ठीक है, फाइनेंशियली हेल्प किसी ने नहीं की, लेकिन यूट्यूब पे उन पे वीडियो बनाया, इसलिए बनाया ताकि लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके बारे में पता चल सके और उनको सपोर्ट करें, ना कि इसलिए कि उनको व्यूज़ मिले और वो जो है अपना चैनल आगे बढ़ाए। ये आपका कहना बिल्कुल गलत है, अगर ऐसी बात है तो आपने क्यों वीडियो
वीडियो बनाई। मैडम तुम भी तो व्यूज़ के लिए ही या बड़े बड़े यूट्यूबर्स को पकड़ती हो, कभी छोटे यूट्यूबर्स में भी कमी निकाल के दिखाओ। क्यों तुम इसे बड़े यूट्यूबर्स में ही कमी निकलती है जिनके व्यूज़ आते हैं? कभी तुम शांति जी को पकड़ लेती हो, प्रिया को पकड़ लेती हो, फलाना ढिकाना, सब में तुमको बुराई बुराई दिख जाती है। तुम्हारे अंदर क्या कोई बुराई नहीं है क्या? तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी बुराई क्या है पता है? तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी बुराई ये है कि तुमको सब में बुराई दिखती है, तुमको सब में बुराई दिखती है, समझी? इसलिए तुम्हारे अंदर ये सबसे बड़ी बुराई है। किसी के दुख का इतना बड़ा मजाक मत बनाओ, ठीक है? और एक हस्बैंड खोने का दुख ना बहुत बड़ा दुख होता है, किसी के दुख का इतना बड़ा मजाक मत बनाओ, मैं यही कहना चाहूँगी। एक एक पल का हिसाब ना भगवान रखता है, तो प्लीज़ किसी का इतना मजाक मत बनाओ। और मैं अपने सारे सब्सक्राइबर से कहना चाहूँगी कि आप लोग निधि की दुनिया और कल्याणी ब्लॉग्स जी को सपोर्ट करिए, फुल सपोर्ट करिए। अभी जाइए तुरंत उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उनको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनको एकदम टॉप आगे तक ले कर जाइए, ताकि वो अपने इस दुख से भी निकल सके और एक अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहती हैं वो कर सके, और एक अपनी पहचान बनाना चाहती हैं तो वो अपनी पहचान बना सके। उनकी हेल्प करिए, उनका सपोर्ट करिए, बस। और मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था उनके ऊपर वीडियो इस तरह बने देख के। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनके लिए ऐसे वीडियो बनाऊँगी, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो अपनी ही कंटेंट हमेशा लेके आती हूँ, ज़्यादातर किसी के पे वीडियो नहीं बनाती। लेकिन इतना दर्द और इतनी तकलीफ हुई देख के कि एक औरत हो कि एक औरत के सुहाग गुजरने का इतना बड़ा मजाक बना दिया तुमने, हद है यार, हद है। एकदम दिमाग ख़राब हो गया है फ्रेंड्स। चलो मैं करती हूँ उस वीडियो का एंड, मैं जाती हूँ यार, माइंड एकदम अपसेट सा हो गया है बहुत ज़्यादा।